Hello everyone. Today we will study placenta and chorionic villi. If you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe it and share these videos to others also. So placenta. So what is placenta? It is basically the organ which helps the fetus to survive and connecting link between the mother and fetus. So in placenta, we study the decidua. Decidua means the portion of placenta means it falls off at the birth of baby.

डेसीडोवेसलिस क्या होता है इट् सेपरेट द कॉरियोनिक वेसिकल फ्राम द मसल वॉल ऑफ द यूटरस जो यूटरस का मसल वॉल है ये सेपरेट करता है उसको कोरियोनिक वेसिकल से देन डेसीडो कैप्सुलरिस ये क्या करता है इट सेपरेट द कॉरियोनिक वेसिकल फ्राम द कैिटी ऑफ द यूटरस एज यू कैन सी कैिटी ऑफ यूटरस देन डेसीडोपेराटलिस क्या होता है इट लाइन्स द यूट्रीन कैिटी डेडो okay, पेराइटलिस है अब क्या होगा नेक्स्ट डायग्राम में देखिए जैसे जैसे एमनियोन ग्रो होता जाएगा और एमनियोटिक कैविटी बड़ी हो जाएगी फिर क्या होगा जो डेसिडो कैप्सुलरिस है वो डेडो पेराइटलिस से फ्यूज हो जाएगा और यूट्रीन कैविटी ऑबलीट्रेट हो जाएगी फिर जो है डेसिडो बेसिलिस जो है ओनली दैट फॉर्म्स द मेटरनल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा तो इसमें देख रहे हैं एम्योटिकविटी कितनी बड़ी हो गई है ग्रो होकर तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कुरियोनिक विलानिक तो विलाय तो बेसिकली क्या होता है ऑल अराउंड द करियोनिक वेसिकल जो सेंसीशियल ट्रेबिकुले हैं वो डेलप हो जाते हैं ये होते हैं सेंसीशियल ट्रेबिकुले जो ब्लैक कलर में मैंने पार्टीशन शो किया है दैट इज सिंजिशियल ट्राइबिकुले फिंगर लाइक प्रोसेस ये डेवलप दे डेवलप फ्रॉम फ्रामोब्लास्ट एंड सेपरेट द वेसिकल फ्रॉम द डेसीडो बेसिलिस दिस इज डेसीडो बेसिलिस अब क्या होगा मेटरनल ब्लड जो है वो लेकुने के अंदर फ्लो हो जाएगा एंड यूट्रीन वेसल विल इरोड जिसके अंदर जिसके बाद जो लेक्यूने हैं ये जो रेड कलर में है इनमें मेटरनल ब्लड जो है फ्लो हो जाएगा फिल हो जाएगा इसके बाद ये देख सकते हैं आप लेबलिंग ये डेसीडोबैसलिस है ये ब्लैक कलर की लाइन एंड दिस इज सेंसीशियल ट्रेबिकुले ये यू लेक्यूना है एंड दिस इज सेंसीशल ट्रोफोब्लास्ट इन ब्लैक कलर देन इस साइड आए तो हम देखेंगे इस इंस्टीट्यूटरब्लास्ट इन ब्लैक कलर और जो ये रेड मैंने रेड कलर से बनाई है ये वाली ये सी साइटोट्रोफोब्लास्ट है देन अम्बिलिकल वेसल्स ये अम्बिलिकल वेसल्स हैं रेड कलर में देन आउटर टू तो दिस इन एक्स्ट्रा एम्ब्रिक मिजोडम एंड आउटर टू तो दि, तो दिस इज एमनियन अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी विलाई प्राइमरी विलाई एक्चुअली क्या होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है मैंने रेड कलर में शो किया है आउटर साइड जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये इन्वेजिनेट हो जाता है सेंसीशियल ट्रेबिकुले के अंदर इन्वेजिनेट हो जाता है ये सेंसीशियल ट्रेबिकुले ब्लैक कलर में इसके अंदर देखो साइटोट्रोफोब्लास्ट आ गया रेड कलर का और ये इससे क्या बन गया प्राइमरी विलस तो बेसिकली जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो पूरे उसको कवर कर लेता है लेकिन को आउटर टू दिनसीशियो ट्रोफोब्लास्ट और इसकी वजह से साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल बन जाता है तो ऐसे प्राइमरी विलाय बनती है दिस इज लेक्यूना ब्लैक कलर में सेंसीशियोट्रोफोब्लास्ट है और उसके अंदर रेड कलर में जो है वो लेक्यूना है और ये देखिए ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल रेड कलर में बाहर की तरफ एंड अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें आ, तो ये जो है लेक्यूना है ये डेसीडोबेसिलस है ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल है और ब्लैक कलर में है सेंसीशियोट्रोफोब्लास्ट जस्ट फॉर कलर डिफ्रेंसीशन आई हैव मेड दिस इज क्रोस सेक्शन ऑफ प्राइमरी विलाई जिसके अंदर सबसे अंदर है साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड आउटर टू दिस इज सेंसीशियोट्रोफोब्लास्ट सेंसीशो ट्रोफोब्लास्ट जो है सेप्टा नहीं होते इसमें इसकी वजह से न्यूक्लियर जो है फ्री मल्टीपल न्यूक्लियर होते हैं दैन सेकेंडरी विलाई अब क्या होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम जो है इट जीनेट दी साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल ये व्हाइट कलर में जो एक्सट्रै एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म मेन दिखाई है इट इनवैजिनेट्स द साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल जिसकी वजह से प्राइमरी विलाई कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी विलाई में अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो सबसे अंदर है एक्सट्रै एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आउटर टू तो दिस इज साइटोट्रोफोब्लास्ट नाउ टू तो दिस इज सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट देन टर्शियरी विलाई टर्शियरी विलाई में क्या होगा जो एक्स्ट्रा एमरनिंग म्यूजम है उसके अंदर कुछ आर्टीरियोल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स जो कि ज्वाइन करेंगे अम्बलाइकल वेसल को दिस इज अम्बलाइकल वेसल्स सो वे ज्वाइन करेंगे अम्बलाइकल वेसल को जिससे कि जो ये सेकेंडरी विल, विलय है दैट कन्वर्ट्स इनटू टू टर्शरी विलय फिर क्या होगा कुछ अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो सबसे अंदर है वेसल इन एमलाइकल दिस इज साइड्रोफोब्लास्ट एंड उसके बाहर है फिर क्या होता है डेसीडो बेसिलिस से जो है कुछ सेप्टा निकलते हैं दे सेप्टा प्रोट्रूड इन टू दैक्यू दस फॉर्मिंग द डेसीडल सेप्टा अब क्या होगा ये रहे डेसीडल सेप्टा अब क्या होगा जब डेसीडो पेराइटलिस फ्यूज होता है डेसीडो कैप्सुलरिस से तो जैसे मैंने आपको बताया तो विलाए जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं और वो तब उसको क्या कहते हैं कोरियोन लीवे और जो रिमाइंडर ऑफ कोरियोन है जो बाकी बचा कोरियोन है दैट इज़ नोन एज कोरियोन फ्रोंडोसम नाउ एंड दैट फॉर्म्स द फीटल पार्ट ऑफ प्लासेंटा रिमेंबर दैट डेसीडो बेसिलिस फॉर्म्स द मेटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा एंड कोरियोन फ्रोंडोसम फॉर्म फीटल पार्ट ऑफ प्लासेंटा

and excretion it uh, waste products from the mother, fetus to the mother and protection may prevent microorganism from entering mother to fetus and allows the antibodies to pass from mother to fetus. Hormone secretion may secrete estrogen, progesterone, gonadotropic hormones and relaxing. So if you like this video, please subscribe to my YouTube channel and share this video to your other friends so that maximum students got benefited from this. Thank you everyone.